हेलो एवरीवन, इस वीडियो में देखेंगे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के टॉप 10 एमसीक्यू, जिसमें हमारा टॉपिक होगा यहाँ पे पाइपलाइनिंग। वो पहला क्वेश्चन हमारे हैव बीन डेवलप्ड स्पेशली फॉर पाइपलाइन सिस्टम, मतलब किसके लिए हमारा डेवलप किया गया है जो हमारा पाइपलाइन सिस्टम है। ए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, बी स्पीड ऑफ यूटिलिटी, सी ऑप्टिमाइजिंग कंपाइलर, और डी दिया है नॉन ऑफ द मेंशन। तो वन का हमारा हो जाएगा सी ऑप्टिमाइजिंग कंपाइलर, मतलब कंपाइलर को ऑप्टिमाइज करने के लिए क्या किए हैं, पाइपलाइन सिस्टम को डेवलप किया गया है। यहाँ पे सेकंड नंबर है कि द पाइपलाइनिंग प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड, तो हम दूसरे किस नाम से जानते हैं, ए सुपर स्केलर ऑपरेशन, बी असेंबली लाइन ऑपरेशन, सी वॉन न्यूमान साइकिल, और डी दिया है नॉन ऑफ द मेंशन। तो दूसरे का हमारा आंसर हो जाएगा बी असेंबली लाइन ऑपरेशन। तीसरा है द फेच एंड एग्जीक्यूशन साइकिल आर इंटरलिव्ड विद द हेल्प ऑफ, ए मॉडिफिकेशन इन प्रोसेसर आर्किटेक्चर, डी क्लॉक, सी स्पेशल यूनिट, और डी दिया है कंट्रोल यूनिट। तो तीसरे का आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ बी, यानी कि क्लॉक। फिर हमारे पूछा गया है फोर्थ नंबर, ईच स्टेज इन पाइपलाइनिंग शुड बी कंप्लीटेड विद इन, पाइपलाइनिंग का जो एक एक जो सब स्टेज होता है वो कितने साइकिल में पूरा होता है, ए एक, बी दो, सी तीन, और डी दिया है चार, यानी कि हमारा होगा ए एक। पूछा गया हमारे यहाँ पे फाइव नंबर, इन पाइपलाइनिंग द टास्क विच रिक्वायर द लीस्ट टाइम इज परफॉर्म्ड फर्स्ट, क्या होगा, ए ट्रू, बी फॉल्स। तो हमारे यहाँ पे पांचवे का आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी फॉल्स। ये पूछा गया है इफ ए यूनिट कंप्लीट इट्स टास्क बिफोर द अलॉटेड टाइम पीरियड, तो क्या होता है, यदि कोई भी यूनिट मान लीजिए कंप्लीट हो जाता है, अपने टास्क को कंप्लीट कर लेता है दिए गए टाइम में, तो उसको क्या बोलते हैं, ए टी आई इट विल परफॉर्म सम अदर टास्क इन द रिमेनिंग टाइम, बी इट्स टाइम गेट्स रियलोकेटेड टू द डिफरेंट टास्क, इट्स रिमेन डी आइडल फॉर द रिमेनिंग टाइम, और डी दिया नॉन ऑफ द मेंशन। छठवें का हो जाएगा हमारा सी, यहाँ पे इट विल रिमेन आइडल फॉर द रिमेनिंग टाइम। सेवन है टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ मेमोरी एक्सेस इन पाइपलाइनिंग, पाइपलाइनिंग में जो हमारा मेमोरी एक्सेस टाइम होता है इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ता है, वी मेक यूज ऑफ ए स्पेशल मेमोरी लोकेशन, बी स्पेशल पर्पज रही, सी कैसे, और डी दिया है बफर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ होगा, तो सातवें का आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे सी कैसे। आठवां है द पीरियड ऑफ द टाइम व्हेन द यूनिट इज आइडल इज कॉल्ड एच, ए स्टार्स, बी बबल्स, सी हजार्ड, डी बोथ स्टार्स एंड बबल। तो आठवें का आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे डी, यानी कि स्टार एंड बबल। द कंटेंशन फॉर द यूजेज ऑफ ए हार्डवेयर डिवाइस इज कॉल्ड, ए स्ट्रक्चरल हजार्ड, बी स्टॉक, सी डेडलॉक, नॉन ऑफ द मेंशन। यानी कि नौवे का आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे ए स्ट्रक्चरल हजार्ड। ये पूछा है दसवां नंबर, लास्ट क्वेश्चन होगा इसका, और यह है द सिचुएशन वेयर इन द डाटा ऑफ ऑपरेंड आर नॉट अवेलेबल इज कॉल्ड, ए डाटा हजार्ड, बी स्टॉक, सी डेडलॉक, और डी दिया स्ट्रक्चरल हजार्ड। तो दसवें हो जाएगा हमारे यहाँ पे ए डाटा हजार्ड।